आप कल्पना कर सकते हो 30 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, 4 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचा है और 5 करोड़ लोगों को पहुंचाना है, 1 करोड़ लोगों को घर पहुंचा है और 4 करोड़ लोगों को पहुंचाना है, 1 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाई और 5 करोड़ लोगों को पहुंचानी है, 7.5 करोड़ लोगों को शौचालय पहुंचाया, 2.5 करोड़ लोगों को अभी शौचालय पहुंचाना है। ये राहुल गांधी है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं है। अरे बबुआ मुझे ये बता दे भैया, 70 साल तक आपने क्या किया? 70 साल तक आपने क्या किया? अगर ये सब 70 साल तक आपकी 3 पीढ़ी शासन में रही कर देते तो हमारे भाग्य में शौचालय बनाना या गरीब मां को गैस का चूल्हा देना आता ही नहीं। ये तो इसलिए दे रहे हम कि आपने ये नहीं दिया। वो हमारी 3 साल का हिसाब मांग रहे। मैं इस मंच पर से कांग्रेस अध्यक्ष के इनकी 3 पीढ़ियों का हिसाब मांग रहा हूं। 3 पीढ़ियों तक आपने क्या किया इसको हिसाब। हम तो हर साल अपने हिसाब को पुस्तक में छपवा कर देते हैं, हर साल देते हैं, और इसको महिमा मंडित कर नहीं देते हैं, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ देते हैं। मगर आपके परिवार ने इस देश पर 55 साल तक राज किया, आपकी पार्टी ने 60 साल तक राज किया, आपकी पर नाना जवाहरलाल नेहरू ने शासन किया, आपकी नानी इंदिरा जी ने किया, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, आपकी माता जी ने भी मनमोहन सिंह के साथ 10 साल तक शासन किया। ये सारे काम क्यों नहीं हुए भैया? हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा बोलिए, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए?